हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड ट्रिक एंड टिप्स के इस अनोखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ट्रिक बताने जाने वाले हैं जिससे जरिए आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की फ़ाइल इजीली अपने मोबाइल में आप गेट कर सकते हो बिना किसी वायर के जरिए या बिना कोई जेंडर या ऐसी कोई एप्लीकेशन के जरिए। उसके लिए आपको ES फाइल एक्सप्लोरर करके एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ES फाइल एक्सप्लोरर प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लोगे। ओके, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, देयर इज़ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें से आपको एक लैन नाम का ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, आप उसी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो जिसके ज़रिए आपका मोबाइल कनेक्ट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप ABC नाम के कोई वाईफाई से कनेक्ट है, तो कंपलसरी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वो ABC नाम के नेटवर्क पे ही जुड़ा होना चाहिए, नहीं तर ये लैन नाम फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगी। और सेकंड, अगर आप कोई मोबाइल डेटा से कनेक्ट है तो आपको हॉटस्पॉट के जरिए अपने लैपटॉप को या वाईफाई एडाप्टर के जरिए अपने कंप्यूटर को उसी नेटवर्क पे कनेक्ट करना होगा, उसी बाद आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो। ओके, तो नेटवर्क ऑप्शन में आपको मिल रहा है लैन ऑप्शन। ओके, जब भी आप लैन पे क्लिक करोगे तो आप एक को वर्क ग्रुप मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम उसे यूज़ कर रहे हो तो उसे स्कैन कर देना। जैसे आपको स्कैन सक्सेसफुली होगा तो आपका एक वर्क ग्रुप ओपन हो जाएगा। वर्क ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये जो फाइल है, ये जो आप दिख रहे हो, वो पूरी मेरे कंप्यूटर की है। मैं इजीली उसे एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे डेस्कटॉप पे पब्लिक फोल्डर के अंदर एक सॉन्ग है, मुझे इस सबके PC में से अब मुझे सब अपने मोबाइल में कॉपी करना है, तो मैं इजीली इसको कॉपी, कट या पेस्ट या डिलीट कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको अपने लोकल ड्राइव में, होम के अंदर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेट इज़ कॉल PC डेटा। मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ उसके लिए और लिखता हूँ माई डेटा, फोल्डर इज़ क्रिएटेड। ओके, माई डेटा, मैं इजीली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए इसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो भी एकदम फास्ट है, मतलब आप 1 GB की फाइल भी इजीली शेयरिंग कर सकते हो। इसके लिए आपका नेट एक्टिव हो या ना हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसी नेटवर्क से कर सकते हो जिससे आपका मोबाइल कनेक्ट हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह नई ट्रिक्स पाने के लिए हमारी वीडियो और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।